आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Mi 10i के बारे में। इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस हो सकती है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इसी तरीके के क्विक और फास्टर अपडेट्स के लिए। तो 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च हो रहा है Mi 10i। लाइव इवेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। ये वही फोन होगा जो चाइना में रेडमी नोट 9 Pro 5G बन के गया था, वो इंडिया में आएगा Mi 10i के नाम से। तो प्राइसिंग भी आप उम्मीद कर सकते हो कि 25-30 हज़ार के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ज़्यादा हाई लेवल आपको प्राइसिंग देखने को नहीं मिलेगी। स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो 8 GB रैम आपको देखने को मिलेगा, 6 GB वाला भी शायद आपको एक देखने को मिल सकता है। ऑक्टा का प्रोसेसर होगा, 1.8 GHz का प्रोसेसर अभी तक बताया नहीं गया है कौन सा होगा, लेकिन एंड्रॉइड 11 के साथ आएगा। 6 GB रैम होगी, 8 GB रैम होगी, 64 GB, 128 GB और 256 GB तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। 120 Hz की आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। फुल HD डिस्प्ले होने वाली है, AMOLED नहीं होने वाली है, प्लेन फुल HD डिस्प्ले होगी। और शायद तक ये बताया जाएगा कि स्नैपड्रैगन 750G ही होगा, क्योंकि सस्ते में वही फोन है। और मेरे ख्याल से ये मोटो का जो अभी लॉन्च हुआ था Moto G Power 5G और जो वन प्लस का नॉर्ड है उससे टक्कर देने के लिए शायद 25 हज़ार के अंदर एक 6 GB वाला वेरिएंट भी वो लोग लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका जो खासियत होगी वो होगी इसका कैमरा। इसमें आपको 108 MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि रियर में होगा। क्वाड कैमरा होने वाला है, प्लस 2 MP का मैक्रो लेंस, 2 MP का डेप्थ सेंसर और 8 MP का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको बताया जा रहा है कि 16 MP की सेल्फी होगी और बैटरी की जो कैपेसिटी वो 4820 mAh, precisely अगर कहें तो 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। 33 W का फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग 25 हज़ार के अंदर हो सकती है। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 750 ऑलमोस्ट वही होगा अगर 25 हज़ार के अंदर लेके आना है तो। ये वन प्लस है जो और जो मोटो का फोन है उससे कम्पीट करने के लिए शाओमी अपना एक नया Mi 10i एक बजट किंग स्मार्टफोन लेके आ सकता है। शायद अगर अच्छी प्राइस में ले आए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बजट स्मार्टफोन बन जाएगा इंडिया का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, शॉर्ट था, सिंपल था, आपको अपडेट मिल गया है नया फोन के बारे में। पसंद आया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।